का मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना, वहाँ भगवान रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या है? हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अद्भुत आयोजन था, कवर्धा भी पहुंचे हम, कवर्धा में हनुमान जी के मंदिर का भूमि पूजन भी किया जो फिक्स था। इसके बाद में वहां से कांकेर गए, कांकेर में जो है सतचंडी महायज्ञ में सम्मिलित हुए माँ भुवनेश्वरी पहाड़ा वाली मैया के यहाँ। फिर अंगार मोती माता के हमने दर्शन किए, अद्भुत जगह है। बहुत ही जल्दी बस्तर में धर्मांतरण को रोकने के लिए व सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, एकजुट करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम बहुत ही जल्दी बस्तर में आएंगे, ताकि मानवता पर कार्य किया जा सके, शिक्षा पर कार्य किया जा सके और हर हाल में यह हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध हो बे, ऐसी प्रार्थना के लिए हम। धर्मांतरण हो रहा है इसका मतलब आपको लग रहा है? पहले पूर्व में बहुत हो चुके हैं धर्मांतरण, उनकी घर वापसी कराने, जैसे कल 11 परिवार लोगों ने घर वापसी की कांकेर में, तो हमने पूछा कि कब आपका हुआ, तो किसी ने बताया 2019, किसी ने 2021, किसी ने 2020, किसी ने और पहले। तो जो हो चुके हैं या जो धीरे धीरे चल रहे हैं उस मुहिम को हम रोकेंगे। अब हो रहा वर्तमान में या नहीं, ये स्थिति अभी हम देख नहीं पाए। शिक्षा एक ऐसा कारण है जिससे अपराध और क्राइम निश्चित रूप से बढ़ता है। शिक्षा की कलम की धार अगर किसी को दे दी जावे तो क्राइम भी कम होगा, प्रदेश का विकास भी होगा, क्षेत्र का विकास भी होगा, भारत का विकास भी होगा। शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए और गुरुकुलम पद्धति की शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया जाए। धर्मांतरण के नाम पर आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जाए बेझिझक, बहुत प्लांटेड तरीके से। इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और यहाँ की एशिया की सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर जो है जसपुर में चर्च है, उन लोगों के द्वारा अभी एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी लगी। निश्चित रूप से ये अपने संगठन को बहुत प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं, मिशनरी स्कूल हैं, इनके प्रायोजित तरीके हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं इसके खिलाफ है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और आप लालच देकर के धर्मांतरण नहीं करा सकते। ये लॉ बनता है, कानून का संविधान बोलता है, इसलिए अब हम घर वापसी कराएंगे, इनकी ठटरी बारेंगे। देखिए वो बात ऐसी है, आप लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेस व प्रस्तुत किया। माँ कुंभ जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना, वहाँ पे हमने देखा, फैक्ट के साथ वीडियो बताएंगे हम आपको, हो सके तो वीडियो आप व्हाट्सएप नंबर हमारे किसी सेवादार को दीजिए, हम आपको वीडियो भेजेंगे। वहाँ भगवान रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा का क्या है? भाई हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है।